व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है आपका? गाइस यार, मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत दिन से कई सारे कमेंट भरे हुए हैं यार, कि यार क्या स्पाइडरमैन मेरे को मूवी देखनी या फिर एक्शन फिल्म ज्यादा देखनी है, तो क्या मैं एमआई टीवी लूँ या फिर सैमसंग टीवी लूँ या एलजी टीवी लूँ? मेरे को न्यूज़ देखना, मेरे को डेली सोप देखना है, मेरे को ज़्यादातर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए ही यूज़ करना है, तो कौन सी टीवी किसके लिए ज़्यादा अच्छी है? क्या ऐसा होता है कि कोई एक टीवी पर्टिकुलर खाली एक ही चीज़ के लिए अच्छी होती है, कोई टीवी किसी के लिए अच्छी होती है? क्या ऐसा होता है? तो यार ये सारी चीज़ें अपनी इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए जाकर यार चैनल जाकर अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी अभी जल्दी से जाकर के ऑन कर लीजिए। तब तक लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या कोई स्मार्ट टीवी एक पर्टिकुलर सीन्स के लिए खाली बनी, मतलब खाली मूवीज के लिए ज्यादा अच्छी बनी है? डॉल्बी एटमॉस अच्छा चलेगा तो क्या फुल एचडी चीजें नहीं अच्छी चलेंगी? यार आपको बता देता हूं, ऐसा होता है लेकिन कुछ कुछ सिनेरियोज में ही। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक टीवी खाली मूवीज के लिए बनी है, सारी टीवी सारे के सारे काम कर सकती है, लेकिन अगर एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं परफेक्शन, वो हर टीवी अपने किसी पर्टिकुलर चीज में ज्यादा परफेक्ट कर सकती है। जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि एमआई टीवी 5S का एग्जांपल दूं, तो वो बड़ा बड़ा सबसे पहले आपको लिख के जाता है कि इसमें आपको डॉल्बी विजन मिल जाता है। जैसे आप एलजी की बात करो तो उसमें लिख कर कहता है कि कलर्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, गेमिंग के लिए टीवी है। सैमसंग की बात करोगे तो वो आरजीबी कलर्स की बात करते हैं, आपको बहुत ज्यादा अपने कलर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दिलवाते हैं, आपको जबरदस्ती कलर्स। सोनी टीवी की बात करोगे, यही अगर आपको बात करें तो सोनी टीवी ज्यादातर वो भी यही कहते हैं कि 100% कलर प्रोडक्शन वो कर सकती है, और साथ साथ में स्पीकर क्वालिटी की बात ज्यादातर करती है टीवी। डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस की बात बहुत कम करती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो आपको मैं जल्दी से बता देता हूं। जैसे एज फॉर एग्जांपल, आपको खाली ओटीटी प्लेटफॉर्म में एक्शन फिल्म्स ही देखनी है, और एक्शन फिल्म्स में आपको एचडीआर फिल्म्स ही देखनी है, और आपको बजट रेंज की टीवी चाहिए। एज फॉर एग्जांपल आपको 30,000 का बजट है, फिर कौन सी टीवी लेनी चाहिए? आपको मैं समझाता हूं। उस समय में आपको जा सकते हो, जैसे कि हाईसेंस की टीवी ले सकते हो, हाईसेंस टोर्नेडो 2.0 हाई या फिर हाईसेंस A6H, ये दोनों टीवियों को देख सकते हो। यहां तक कि आप जो है ले सकते हो LG UQ7500, सैमसंग की टीवी भी ले सकते हो। लेकिन अगर आप बोलोगे कि यार सैमसंग और LG में आपको जो है HDR 10 प्लस नहीं मिलता, हाँ जी, अगर आपको HDR 10 प्लस चाहिए तो आपको सैमसंग में तो मिल रहा है, लेकिन आपको डॉल्बी विजन भी अगर आपको चाहिए तो आप एमआई टीवी 5X या फिर हाईसेंस की ओर जा सकते हो। दोनों टीवी वन ऑफ द बेस्ट हैं, क्योंकि दोनों टीवी वाकई में इस प्राइस रेंज में आपको डॉल्बी विजन का कंटेंट 100% तरीके से प्रोवाइड करा रही हैं। इस प्राइस रेंज के हिसाब से बता रहा हूं, आप ये ना सोचिए कि 100% आप ऐसे बोल दे रहे हो तो यार सोनी तो डॉल्बी विजन में नेक्स्ट लेवल की दिखा रही है, क्योंकि यार वो पैसा भी तो ले रही है उस हिसाब से, 80,000-60,000 रुपीज ले रही है, कहां आप 30,000 की टीवी देख रहे हो। तो यार 30,000 रुपीज हिसाब से अपनी पूरी परफॉर्मेंस दे रही है ये दोनों टीवी की बात करी जाए। वैसे बात करें अगर आप कलर्स की बात करोगे, एज फॉर एग्जाम्पल आपको डेली सोप ज्यादातर देखना होता है, तो डेली सोप में क्या होता है यार, कलर्स काफी ज्यादा, जो ज्वेलरीज होती हैं जो लेडीज पहन के आती हैं, या फिर उनके जो बंगलो दिखाया जाता है या फिर रेस्टोरेंट दिखाया जाता है, तो उसमें कलर्स का ही सबसे ज्यादा खेल होता है। उस समय मैं आपको बताऊं तो उस समय में आपको LG या फिर सैमसंग की टीवी की ओर जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि यार ये लोग कलर्स है बहुत ज्यादा अपने ध्यान देते हैं। यहां तक कि आप सोनी की टीवी भी ले सकते हो, अगर आप 43 इंच या 50 इंच में टीवी ले रहे हो तो सोनी की आप टीवी ले सकते हो, सोनी X74 या फिर सोनी X75K, ये दोनों टीवी ले सकते हो। हालांकि यार ये दोनों टीवी महंगी है, लेकिन हमने कलर्स के 100% एक्यूरेसी के साथ प्रोवाइड करा रही है आपको कलर्स। अब आपको बात बताते हैं आपको एक चीज और, जैसे कि आप स्पीकर्स भी आपको बढ़िया चाहिए, तो यार इसमें क्या होता है, जैसे हाईसेंस टोर्नेडो 2.0, इन्होंने क्या किया है, JBL से ट्यून करवाया अपने स्पीकर को, 100 वॉट का आपको स्पीकर सेटअप दिया। उसके बाद क्या होता है, जब आप कोई भी सीन्स देखते हो तो आपको 360 डिग्री का जो साउंड इफेक्ट्स होता है ना, वो आपको LG या सैमसंग आपको सस्ते में प्रोवाइड नहीं कराती। हालांकि कलर्स अच्छे हैं, लेकिन ये चीज़ आपको एमआई टीवी 5X और यहाँ तक कि हाईसेंस टोर्नेडो 2.0 और मोटोरोला ग्लो आपकी जो 4K टीवी आती है, ये तीनों कंपनियां आपको बजट रेंज में प्रोवाइड कर रही है। यहाँ तक कि आपको बात करें तो सबसे अच्छा जो अभी हाईसेंस टोर्नेडो 2.0 ने 360 इफेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा लाया, उसके बावजूद जो DTS:X सराउंड साउंड या DTS:X HD साउंड होती है वो आपको एमआई टीवी 5X प्रोवाइड करा रही है। वन ऑफ द बेस्ट टीवी मुझे लगी यार, मैं तो यार खुद ही यूज़ कर रहा हूँ इसलिए तो आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप चाहे 50 इंच की खरीदो, चाहे 40 इंच की खरीदो, 43 इंच की या फिर 55 इंच की खरीदो, इस प्राइस रेंज में ये जो कंपनीज आपको बता रहे हैं ना, ये आपको वन ऑफ द बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड करा रही हैं। आप इसके अलावा दूसरी कंपनी आप उठा के देख सकते, कोडेक की टीवी आती, TCL की टीवी आती, ये सब इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं दे सकती जो हाईसेंस या फिर वन प्लस या फिर बात करें या तो एमआई टीवी दे रही हैं। बात करिए भाई LG और सैमसंग, यार ये सब चीज़ें प्रोवाइड तो कराती हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा प्राइस उसके लिए आपसे मांगती हैं। वही बात करिए, अगर आपको बजट की कोई चिंता नहीं लेकिन आपको QLED टीवी लेनी है, तो यार आपको बताना चाहूँगा आप सैमसंग की फ्रेम टीवी ले सकते हो, 2022 मॉडल। उसमें आपको फ्रेम्स के हिसाब से ये होता है ना कि वो क्या करती है, आपको स्मूथनेस काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड कराती है, सब कुछ आपको उससे मिलता है। लेकिन अगर आपको उससे भी बढ़िया कलर चाहिए तो आप सोनी की X80K या फिर सोनी की X90K ले सकते हो। हालांकि ये दोनों टीवियों के प्राइस ठीक ठाक महंगा है, सैमसंग फ्रेम से भी मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत महंगा पड़ेगा आपको। सोनी X80K वन ऑफ द बेस्ट टीवी लगी मैंने यार, उसमें एक मूवी निपटा दी। जैसे कि बात करोगे आप एक्शन फिल्म का देखो यार,
क्या एक्शन फिल्म्स उसमें चलती हैं। बस मुझे एक चीज़ खराब लगती है यार सोनिया शेट्टी की, में यार 20 वॉट के स्पीकर कहीं ना कहीं खटकते जरूर हैं। आप टीवी के लिए अच्छा खासा 60,000, 80,000, 1 लाख के ऊपर प्रोवाइड करा रहे हो। 75 इंच की टीवी ले रहे हो सोनी की यार, 1,80,000 तक की टीवी आ रही है, लेकिन स्पीकर्स 20 वॉट के खाली आपको मिलते हैं। ये चीज़ तो मुझे समझ में नहीं आती। हालांकि आपको अलग से 4,000-5,000 या 10,000 रुपये के साउंड सिस्टम खरीदने पड़ेंगे। और आप ध्यान रखिएगा, जो भी टीवी आपको पसंद आ रही है ना, अच्छी टीवियों के ही लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ साइज वाइज। ऐसे 32 इंच में कौन सी अच्छी टीवी है वही वही डाल रहा हूँ। 32 इंच से लेकर 43 इंच में कौन सी अच्छी है, 50 इंच में कौन सी अच्छी है, 55 इंच में कौन सी अच्छी है, 4K HDR या फिर डॉल्बी विजन, डॉल्बी HDR, सारी की सारी अच्छी टीवी के हिसाब से मैं सेटअप वाइज सारी की सारी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। उसको जाकर के एक बार जरूर आप चेकआउट करिएगा। यार वीडियो मेरी थोड़ी 5 मिनट की होगी, समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी 2-3 चीज़ और समझानी है। अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे आपको न्यूज़ ज़्यादा देखना है, कुछ लोग होते हैं खाली न्यूज़ देखना है, और टीवी जे कलर से कोई ज़्यादा मतलब नहीं, उनको खाली डेली की न्यूज़ चाहिए, एक बंदा आए सामने न्यूज़ बोले और चला जाए, ठीक ठाक कलर से बहुत ज़्यादा बेहतरीन जरूरत नहीं है। तो आपको मैं बोलना चाहूँगा यार उस जगह पे आप फुल HD टीवी लो, इसी चीज़ के लिए ही फुल HD टीवी बनी है। आपको HDR, डॉल्बी विजन कुछ मतलब नहीं है, खाली पापा या जैसे ग्रैंड फादर्स को ज़्यादातर जरूरत होती है, जैसे रामायण वामायण देखते रहते हैं, तो उसमें कलर्स इतने ज़्यादा जरूरी नहीं होते, उसमें कंटेंट जरूरी होता है उनके लिए खाली। तो उस जगह पे आप जैसे कि MI टीवी ले सकते हो। MI की कौन सी आती है, MI टीवी एक X सीरीज भी आती है लेकिन वो 4K आती है। MI की कौन सी आती है, हाँ MI टीवी 5A या फिर MI टीवी 5A प्रो, 5A प्रो खाली 32 इंच में हालांकि, या फिर आप जो है Redmi की टीवी ले सकते हो। Redmi की नहीं तो आप Hisense की भी टीवी आती है फुल HD में। इन टीवियों को आप ज़्यादा प्रीफर करो, ये टीवी आपको मेरे ख्याल से 25,000-24,000 में मिल जाएंगी। 6,000-7,000 रुपीज़ आपके बच जाएंगे, और उसकी जगह आप चाहो तो कोई साउंड बूफर या जो भी आप एक्स्ट्रा चीज़ खरीद सकते हो, चाहो तो आपके पैसे भी बच सकते हैं। उस जगह पर आपको ज़्यादा भागना नहीं चाहिए क्योंकि फुल HD टीवी आपके लिए सफिशियंट होगी 43 इंच की टीवी में। लेकिन अगर आप 32 इंच में खरीदोगे तो आपको खाली HD रेडी मतलब कि 720p HD कंटेंट की टीवी देख सकते हो, उसमें आप फुल HD कंटेंट नहीं देख सकते। ये ध्यान रखिएगा, 32 इंच की टीवी की बात कर रहा हूँ आपसे। 43 इंच में लोगे तभी आपको फुल HD की टीवी मिलेंगी। अब डेली शो पे आपको जैसे बता दिया LG और सैमसंग लीजिए, लेकिन अगर आपको थोड़ी एक्शन फिल्म देखनी ज़्यादा है तो आप 43 इंच की टीवी मैं आप MI TV 5S, Hisense Tornado 2.0, OnePlus Y1S Pro भी देख सकते हो। इसको मैं थर्ड नंबर पर रखना चाहूँगा अगर आपको Dolby Vision का ज़्यादा कंटेंट देखना है। तो अब बात आ जाती है कि यार मुझे नेक्स्ट लेवल की चीज़ चाहिए, मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, तो आपको बताना चाहूँगा Samsung फ्रेम, जैसे कि मैंने शुरुआत बताई, ये टीवी तो देख ही सकते हो, लेकिन आप Sony X90K। पैसा ज़्यादा लगेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार क्योंकि आपको जो कंटेंट वो प्रोवाइड कराएगा वो कोई और टीवी प्रोवाइड नहीं कर सकती। आप चाहे आप न्यूज़ देखनी हो, चाहे आपको डेली सोप देखना हो, चाहे आपको एक्शन फिल्म्स देखनी हो, यार कोई मतलब नहीं रखता। हर एक चीज़ को वन ऑफ द बेस्ट 100% तरीके से, क्योंकि यार सबसे बढ़िया चीज़ N90X की यही है कि यार हर एक चीज़ों को अपने बेस्ट ऑफ बेस्ट एक्यूरेसी के हिसाब से आपको प्रोवाइड करा रहा है। अब बात आ जाती है यार अप स्केलिंग, क्योंकि यार जैसे आप बजट टीवी की बात करो, जैसे MI की, Hisense की, OnePlus की, कोडेक की, TCL की, ये सब जो है अप स्केलिंग इतना अच्छा नहीं, हालांकि कुछ कंपनी प्रोवाइड कराने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन इतना अच्छा नहीं जितना ज़्यादा आपको LG UQ7500 में अप स्केलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी आपको, या फिर Samsung Crystal 4K Neo में आपको अप स्केलिंग इतनी अच्छी मिल जाएगी। उसके मतलब बजट रेंज में ये दो कंपनियों को प्रीफर करिएगा अगर आपको अप स्केलिंग चाहिए। HD कंटेंट को फुल HD में कन्वर्ट करके दिखाएगा, या फिर फुल HD कंटेंट होगा जो 4K में कन्वर्ट करके दिखाएगा, लगभग 90-95% तक आप स्केल करके आपको दिखाता है, वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट दिखते हैं। और यही दोनों टीवियों में आपको HD कंटेंट ज्यादा अच्छे दिखते हैं इन कंपैरिजन टू इन अदर कोई टीवी की बात करोगे तो। तो यार मेरी वीडियो यहीं पे खत्म होती है। सारी की सारी बेस्ट टीवियों की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, एक बार जरूर जाकर के चेकआउट करिए। अच्छी टीवियों की मैंने लिंक डाली है छाट करके, बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में लिए, क्योंकि मैंने यार इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि कई सारी टीवियों को साथ में शॉप में जाकर के साथ में रख करके सबको देखा है, सबके कलर्स को पहचाना है, और आपको तब जाकर के आपको रिजल्ट बता रहे हैं। इस वीडियो को बनाने में मुझे लगभग 10-15 दिन लग गए, तो प्लीज जाकर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिएगा। मुझे यही भी दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।